फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का वीडियो है वो है ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिमाचल जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे कौन कौन से डिशेज हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, जिनको आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको नज़दीक से देखने की चाह हर किसी के अंदर होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ यहाँ के डिशेस का टेस्ट भी खासा लोकप्रिय होता है, जो कि बहुत ही शानदार और टेस्टी होती हैं। यहाँ की जो लोकल डिशेज हैं उनका स्वाद आज भी बरकरार है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स का टेस्ट जरूर चखें। यकीन मानिए, आप हिमाचल से बहुत अच्छी यादें लेके जाएंगे और यहाँ बार बार आना चाहेंगे। मद्रा। फ्रेंड्स, मद्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिले की सबसे फेमस डिश है। अब तक आपने चने की कई डिशेज खाई होंगी, मगर मद्रा उनमें से काफ़ी अलग है। मद्रा दही और चने के बनने वाली एक ग्रेवी डिश है। आमतौर पर हिमाचल में इसे स्टीम राइस के साथ सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा होता है, क्योंकि इसमें 20 तरह के मसाले डाले जाते हैं। एक बार जो इस डिश को टेस्ट कर लेता है वह फिर कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाता। लूची पोती। फ्रेंड्स, लूची पोती हिमाचल की एक फेमस डिश है। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो ये डिश आपके लिए ही है। ये डिश मेमने की आग के साथ बनाया जाता है, जिसे मटन सूप या चटनी के साथ सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, यह डिश मसालों के फिलिंग करके बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप इस डिश का आनंद उठा सकते हैं। सिद्धू। फ्रेंड्स, अगर आप फूड लवर हैं तो सिद्धू, जो हिमाचल की एक फेमस डिश है, आपको जरूर पसंद आएगी। इसे मटन की फिलिंग करके बनाया जाता है। यह देखने में तो कुछ मोमोज की तरह ही लगती है, मगर इसका साइज उससे 5 से 7 गुना अधिक बड़ा होता है। फ्रेंड्स, एक बार सिद्धू का स्वाद आपको लग गया तो आप हर साल हिमाचल की सैर करने जरूर आएंगे। धाम। फ्रेंड्स, धाम हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय डिशेज में से एक है। ये हिमाचल में आमतौर पर शादियों और त्योहारों में बनाया जाता है। यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार कई वर्ष पहले ब्राह्मणी इसे बनाते थे। यह डिश बिल्कुल अलग तरीके से बनती है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इसकी खास बात यह है कि इसे दहरी दाल, राजमा, दही और चावल में मिलाकर बनाते हैं। फ्रेंड्स, धाम एक ऐसी डिश है जिसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है और इसे इमली और गुड़ से बनी खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। अक्तोरी। फ्रेंड्स, अक्तोरी एक ऐसी डिश है जो हिमाचल प्रदेश में लगभग हर खास मौके पर बनाई जाती है। इसे मीठा केक भी कहा जाता है। अक्तोरी गेहूं के आटे के साथ ही शहद और घी से बनाई जाती है। फ्रेंड्स, हालांकि इस डिश की उत्पत्ति स्पीति वैली में हुई है, पर इसे पूरे हिमाचल प्रदेश में खाया जाता है। तुड़किया भात। फ्रेंड्स, तुड़किया भात हिमाचल की फेमस रेसिपी है। आप चंबा जिले में इसे आसानी से देख सकते हैं। इसको चावल, मसूर दाल, मटर, आलू, टमाटर, इलायची, दालचीनी आदि के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। इसे खास तौर पर देसी घी के साथ सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका स्वाद चख चुके लोग बताते हैं कि चंबा में इससे अच्छी दूसरी कोई डिश ही नहीं है। भे और स्पाइसी लोटस स्टीम। फ्रेंड्स, भे एक ऐसी रेसिपी है जिसका स्वाद आप हिमाचल के किसी भी कोने में ले सकते हैं। वहाँ के लोगों के घर में यह खूब जमकर खाया जाता है और खूब पसंद किया जाता है। इसे लोटस के तने से तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले लोटस के तने को पतला पतला काटकर इसे अदरक, लहसुन, प्याज और बेसन से पकाया जाता है। यह डिश काफ़ी अच्छी और स्पाइसी होती है। छा गोश्त। फ्रेंड्स, छा गोश्त हिमाचल की एक बहुत ही टेस्टी मटन करी है, जो कि नॉनवेज लवर्स की एक पसंदीदा डिश है। इसे बेसन और दही की ग्रेवी से पकाया जाता है। इस डिश का टेस्ट तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब इसे इलायची, लाल मिर्च पाउडर, तेज़पत्ता आदि मसालों के पेस्ट के साथ तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, हिमाचल के स्थानीय ढाबों के मेन्यू लिस्ट में आपको इसका नाम आसानी से मिल जाएगा। बबरू। बबरू हिमाचल प्रदेश के सभी अवसरों पर तैयार की जाने वाली एक फेमस स्वीट डिश है। फ्रेंड्स, इसे चीनी का इस्तेमाल कर सांचे पर डिजाइन बनाकर पकाया जाता है। बबरू डिश इमली की चटनी के साथ यहाँ पर सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे आप चना मादरा के साथ भी खा सकते हैं और यह डिश सबसे ज़्यादा शिमला में मिलती है।
काले चने का खट्टा। फ्रेंड्स, मद्रा की तरह खट्टा भी हिमाचल की एक अन्य ट्रेडिशनल पहाड़ी डिश है जिसका टेस्ट खट्टा होता है। आमतौर पर इसे चावल के साथ सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डिश की ज़्यादातर धाम में बनाया जाता है जो कि हिमाचल का एक फेमस फूड फेस्टिवल है जिसे धाम ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे कांगड़ा जिले में यह डिश काफ़ी लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स, ये थे ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि इतने टेस्टी और इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।